हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं आज अपने इस चैनल एंगलर जोन पे। और आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश रिलेटेड जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये पार्ट सेकंड है, आप सभी को इसका पता है। दिस इज दी पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो। हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर लिया है जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड एमसीक्यूज से, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के उसको चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड, आज के वीडियो में जो सेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर का भी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के एंड में। और ये पार्ट डिस्कस करने के बाद हम इसी वीडियो में सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर के मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप सभी अपना नोट्स अपने पास रखो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे इस वीडियो से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप सभी को वो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स, जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स व्हाइल जॉन स्टील्स। जॉन क्या चुराता है इस प्ले में, जो सिल्वर बॉक्स प्ले प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का। आपको बताना है कि जो जैक बार्थविक होता है, जो एक रईस ज्यादा लड़का होता है, वो एक वुमेन का पर्स स्काई ब्लू कलर का वेलवेट सिल्क का वो चुराता है, या वो गलती से उसको उठा लेता है क्योंकि वो नशे में रहता है। तो आपको बताना है जो जॉन होता है, जो के यहाँ पे वो एक पुअरर उसकी लेडी सर्वेंट होती है, उसकी वाइफ होती है, उसके जैक बार्थविक के घर काम करती रहती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पर्स, वो क्या चुराता है उसके घर से, या क्या उसको लेके चला जाता है, क्योंकि वो बोलता है ना जो भी आपको मन करे वो आप उठा सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि आपने मेरी हेल्प की है। तो वो कौन सी चीज चुराता है उस घर से, आपको उसका आंसर देना है। और 51 का जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे हम 51 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले जो जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड वीडियो था उसमें 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो ये पार्ट हमारा होगा कि 51 क्वेश्चन से लेकर के आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं सिल्वर बॉक्स प्ले से रिलेटेड इस क्वेश्चन की। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, अ सिल्वर सीक्रेट बॉक्स जो होता है वो जॉन स्टील करता है जैक बार्थविक के घर से। नंबर 52 वी हैव, Who is the police inspector in the silver box? Silver box play में police inspector कौन होता है? आपको इसका answer देना है, और that is Snow. Option A हमारा है correct answer. Snow is the correct answer. और silver box जो publish हुआ है 1906 में ये publish हुआ है, ये भी आप note down कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं ये play इससे related जो important facts हैं, questions से related, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। 53 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेलविन जो है वो आर्टिस्ट है, वो किस प्ले में आर्टिस्ट का काम करता है, जो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, आपको बताना है इसका आंसर। और 53 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट वाज द प्रिजन, द प्रिजन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। और प्रिजन की बात करें तो प्रिजन 1912 में ये पब्लिश हुआ है प्ले, इसको भी आप नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट है नंबर 54, यू विल ब्रेक द बॉडी बट यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लंडन, द मैन हैव नथिंग फॉर ए। ये किसने कहा है आपको बताना है, किस प्ले में ये कोटेशन बोला गया है, ये लाइंस बोली गई हैं। 54 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है रॉबर्ट्स इन द प्ले स्ट्राइक में रॉबर्ट्स ने ये कोटेशन, ये लाइन बोला हुआ है। और ये जो प्ले पब्लिश हुआ था 1909 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके पब्लिकेशन ईयर से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सेशन में हम जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने भी प्लेस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा हम मेंशन करेंगे, वो सभी जॉन गाल्सवर्दी ने ही लिखे हुए हैं, बट किस ईयर में लिखे हुए हैं ये मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आज के वीडियो में आप सभी से डिस्कस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट नंबर 55 क्वेश्चन की बात करें, वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू, वुमन हैज टू डू वेटिंग एंड वेटिंग, ये कौन बोलता है प्ले में, मैच इन स्ट्राइप, रॉबर्ट इन स्ट्राइप, हार्नेस इन स्ट्राइप, या फाइल्डर इन जस्टिस। सो करेक्ट आंसर जो इसका क्वेश्चन का है 55 का, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मैच इन स्ट्राइप। स्ट्राइप में ये बात करती हैं इस तरीके से कि वुमेन का जो काम होता है वो सिर्फ वेट वेट करना होता है, यही सिर्फ वुमेन का एक काम है। और जैसा मैंने बताया ये प्ले 1909 में पब्लिश हुआ है। नंबर 56 भी है,
दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर हू स्पीक्स दिस लाइन. ये कौन लाइन बोलता है जॉन गाल्सवर्दी के प्ले में. कैरेक्टर का नेम बताना है और उस प्ले का नाम बताना है जिसमें ये लिखा गया है. एंड वी हैव द ऑप्शन हियर एंड द करेक्ट आंसर इज 56 का जो है वो है हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइप. रॉबर्ट जो होता है वो स्ट्राइप में ये कोटेशन, ये लाइंस बोलता है. और स्ट्राइप की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है इसके पब्लिकेशन ईयर की. एंड 57 क्वेश्चन है, वॉर इज वॉर, हु इज द स्पीकर. वॉर इज वॉर, वॉर वॉर होता है, ये कौन सा स्पीकर है, किसने ये बोला है. और 57 का जो करेक्ट आंसर है वो एंटोनी इन स्ट्राइप प्ले में ये बात की है. एंटोनी ने इस कोटेशन का, इस लाइन का स्पीकर एंटोनी है. नंबर 58 भी है, देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस, वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, हु इज द स्पीकर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ. देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस मीन्स घर में सिर्फ एक ही मास्टर या एक ही सर्वे सर्वा हो सकता है. जहाँ पे दो आदमी, दो मैन मिलते हैं, द बेटर विल रूल, ये है जो बेटर इंसान, बेहतर इंसान होगा वही रूल ओवर करेगा. जैसे आप क्लास में आपने बहुत देखा है कि जो अच्छा बच्चा होता है टीचर उसको ही, डिसिप्लिन बच्चा होता है टीचर उसको ही क्लासरूम में मॉनिटर बनाता है, या जो हेड बॉय या हेड गर्ल होते हैं उसको बनाते हैं. तो इसी तरीके से लीडर भी वही होता है, लीड जो करता है किसी पार्टी को, तो वो जो बेटर होता है, जो बेस्ट होता है, और जो एक मास्टर क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी होती है वही लीड करता है. तो इसी तरीके से इस वर्क में, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिर्फ घर का एक मास्टर हो सकता है, जहाँ पे दो लोग मिलते हैं, जहाँ पे दो लोग रहते हैं होते हैं, तो बेटर जो इंसान होता है वही रूल करता है. और 58 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंटोनी इन स्ट्राइप. ये कोटेशन, ये लाइन एंटोनी की है स्ट्राइप प्ले से. नंबर 59 क्वेश्चन इज, व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इनजस्टिस टू अनदर. ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से फेमस लाइन की बात मैं कर लूँ यहाँ पे, फिर से मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि what seems just to one man is injustice to another. जो एक इंसान को न्यायपूर्ण होता है means वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए, और उसके opposite जो इंसान होता है उसके लिए वो अन्याय का काम करता है. means जो एक सही काम होता है किसी के लिए, yes this is good for me but मेरे लिए तो अच्छा हो गया, but सामने वाले के लिए वही चीज खराब हो जाती है. तो जहाँ पे न्याय की बात आती है, कोई एक होता है जो जिसको न्याय मिलता है, बट सामने वाला जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको इनजस्टिस फील होता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे, मेरे साथ अन्याय किया गया है. तो ये स्पीकर कौन है, इस लाइन को किसने बोला है. 59 की बात करें तो दैट इज एडगर इन स्ट्राइप. एडगर ने बोला है स्ट्राइप प्ले में ये कोटेशन. नंबर 60 है हमारा क्वेश्चन नंबर, अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, हु इज द स्पीकर. करेक्ट आंसर 60 का जो हमारा है वो है हमारा ऑप्शन ए, हार्नेस इन स्ट्राइप. तो हम यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्राइप प्ले से ही रिलेटेड है जॉन गाल्सवर्दी के, क्योंकि स्ट्राइप प्ले की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वी हैव. 61 क्वेश्चन, व्हिच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी. गाल्सवर्दी के हिसाब से, मंसूर के अकॉर्डिंग, कौन सा प्ले है जो ग्रेट सेंसेशनल प्ले है, और स्पेशली वो रिलेटेड है पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्किट से रिलेटेड, जिसने एक सेंसेशन क्रिएट किया सोसाइटी में, इन स्पेशली वो पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्किट से रिलेटेड था. तो आपको बताना है 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फ्रेंड जस्टिस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस प्ले की बात हो रही है एंड दिस इज सेट बाय गाल्सवर्दी कि इस प्ले ने मेरे एक तरीके का सेंसेशन क्रिएट किया पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स में. तो ये जो प्ले था ये पब्लिश हुआ है 1910 में. नेक्स्ट वन वी हैव 62, जेम्स हॉव, वॉल्टर हॉव, रॉबर्ट कोक्सन, विंस्टर पाउले फेल्डर, रूथ हनीवुल एंड द कैरेक्टर फ्रॉम द अपीयर इन. ये बताना है आपको कि किस कैरेक्टर, किस उसमें आपको ये कैरेक्टर्स मिलते हैं, इसका आंसर आपको देना है. और 62 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है जस्टिस. ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है. नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस. हु सेज दिस,
किसकी लाइन है, किसने बोला है, किसके लिए बोला है, आपको इसका आंसर देना है। और सेक्शन थ्री का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज सेट बाय कॉक्सन अबाउट फेल्डर, और ये ऑब्वियसली वी हैव द टॉकिंग अबाउट हियर, फिर से बेसिकली जस्टिस की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, किसने बोला है ये कोटेशन और गार्ल्स वर्दी के किस प्लेस से ये कोटेशन लिया गया है, ये लाइंस ली गई है। लाइफ वन, लाइफ इज वन ऑफ दी वन लॉन्ग टेम्पटेशन, और जो करेक्ट आंसर है 64 का वो है हमारा ऑप्शन ए गार्ल्स वर्दी जस्टिस, जस्टिस प्ले में ये कोटेशन बोला गया है, ये लाइन बोला गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स, आप गार्ल्स वर्दी को अगर पढ़ रहे हो जॉन गार्ल्स वर्दी से रिलेटेड, तो आपके टीजीटी में इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो इनकी फेमस लाइंस हैं वो भी पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप जरूर प्रिपेयर रहिएगा कि कौन सा कोटेशन या किससे लिया गया है, किस प्लेस है, किस स्पीकर ने उसको बोला है, इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा और रिवाइज करके जाइएगा जब भी आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसके पब्लिकेशन ईयर के साथ में डिस्कस किया है, आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको वो चीजें समझ में आ जाए। 65 क्वेश्चन का ये है हमारा स्क्रीन पे, विच प्ले इज अ स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन और रेशियल प्राइड से रिलेटेड जॉन गार्ल्स वर्दी का कौन सा प्ले है, इसका आंसर देना है। ऑप्शंस हैं आस्किंग गेम, द मॉब, द सिल्वर बॉक्स या लॉयलिटीज, और 65 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी लॉयलिटीज, ठीक है। लॉयलिटीज प्ले दैट इज रिलेटेड टू रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, और 1922 का ये पब्लिकेशन है, ठीक है। इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, 1922 में ये पब्लिश हुआ है। स्किन गेम की बात करें तो 1920 में पब्लिश हुआ है, इसके साथ साथ दिमाग की बात करें तो 1914 में ये पब्लिश हुआ है, और हमारा है द सिल्वर बॉक्स जो कि फर्स्ट प्ले है आप विलियम जॉन गार्ल्स वर्दी का, 1906 में ये पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सभी कुछ मेंशन कर दिया, सभी इंपॉर्टेंट जो प्लेज हैं किस ईयर में पब्लिश हुए हैं, इसको भी आप इस प्ले के आगे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट नंबर 66 भी है, We have to love because we love loving. And this line appears in किस प्ले में, किस वर्क में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? We have to love because we love loving. Means हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि हमें प्यार करना पसंद है, या हमें एक दूसरे का केयर करना ये पसंद है। ये किस लाइन, इस लाइन को किस प्ले में बोला गया है, किस वर्क में बोला गया है जॉन गार्ल्स वर्दी के? और 66 का हमारा करेक्ट आंसर है a bit of love 1915 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइंस की बात करें तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ये प्ले भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पब्लिकेशन ईयर किस ईयर में हुआ है इसका, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। नंबर 67 भी है, द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो वॉट द अदर वॉन्ट्स एट द मोमेंट। जो ग्रेट थिंग होती है लव में वो ये है कि ईच शुड नो, सब एक दूसरे को जानना चाहिए कि व्हाट द अदर वांट्स एट द मोमेंट, मींस उस मोमेंट पे या किसी मोमेंट पे एक दूसरे से क्या चाहता है ये जानना, ये लव की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ग्रेट थिंग है। और किसमें ये बोला गया है, किसमें ये प्ले में लाइन अपीयर होती है, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर 67 का, दैट इज ऑप्शन ए द रूफ। द रूफ इज द प्ले, और इसमें ये बात की गई है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द रूफ। एंड द रूफ की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा वर्क था द रूफ वो 1929 में पब्लिश हुआ है। 67 के बाद 68 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप सभी इसका आंसर दीजिए। हाउ बेसिकली वुमेन आर टू ईच अदर, मींस वुमेन्स जो होती हैं एक दूसरे के लिए बहुत ही खतरनाक या बहुत ही भयानक हो जाती हैं। आपको इसका लाइन बताना है कि किसमें ये लाइन अपीयर होती है, और 68 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो सभी है, वो है विंडोज, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विंडोज जो है ये 1922 में पब्लिश हुआ है ये प्ले, ठीक है, विंडोज। नंबर 69 वी हैव हियर, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ things. Where does this line appear? कहाँ पे ये line appear होती है? किस play में ये बात हो रही है? आपको इसका answer देना है. किस work में John Gals Worthy ने ये line को लिखा हुआ है? And we have the correct answer. 69 का जो correct answer है, वो है हमारा
ऑप्शन ए पिजन। ठीक है, पिजन जो वर्क था वो 1912 में पब्लिश हुआ है एंड दिस इज अ ड्रामा प्ले है ये गॉल्सवर्दी का। नंबर 70 भी है, एजुकेशन इज सिंपली रूनिंग, एजुकेशन इज सिंपली रूनिंग द लोअर क्लासेस, इट अनसेटल्स देम एंड दैट्स द वर्स्ट ऑफ फॉर ऑल अस ऑल। आई सी आर एनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट। What do these lines appear? या where do these lines appear? कहाँ पे line appear होती है? और 70 का जो हमारा correct answer है वो option D है, silver box में ये appear होती है line. 71 we have here, Dancy, D. Lewis, Venus, Windsor, Frank, Fraser, Robert, Lord Smith, Earth, Waring, Miss Margaret, और मैं मार्वल। इन कैरेक्टर्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नेम दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो आपको बताना है इस ये गॉल्सवर्दी के किस प्ले में इनका मेंशन होता है, किस प्ले में इनका कैरेक्टराइजेशन आपको मिलता है। और जिसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा लॉयल्टीज, लॉयल्टीज प्ले 1922 में पब्लिश हुई है। नंबर 72 वी हैव हियर, वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। Where does this line appear? बहुत ही important line है। We all cut each other's throats from the best of motives. Means हम अपने motive के लिए एक दूसरे का गला भी कट कर सकते हैं, कितने भी हम अच्छे friend हो या कितने भी अच्छे लोग हो, but motive is most important. ये बात किस play में Galsworthy ने लिखी है आपको इसका answer देना है। और 72 के answer की बात करें तो that is loyalties. और loyalties की मैंने publication year बता दिया है आप सभी को, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में 1922 है। 73 भी है, एग्जन हु रोड डॉल्स हाउस वाज द प्रीसीडेंस और प्रीसीडर प्रीडिसर्स ऑफ गॉल्सवर्दी। ही वाज कौन थे? हेनरिक इस्बेन, जिनसे इंस्पायर होकर के गॉल्सवर्दी ने मोस्टली जो अपने उनको प्रॉब्लम प्लेस दे, जो सोशल ट्रेजेडीज लिखी हुई है, अपने जो सब्जेक्ट मैटर को एक प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट मैटर उन्होंने चोज करा था, ये किससे इंस्पायर होकर के किया था? हेनरिक इब्सन से। तो आपको बताना है हेनरिक इब्सन जो डॉल्स हाउस लिखा है जिन्होंने प्ले, आपको बताना है वो कौन से ड्रामेटिस्ट थे, मींस कहां के ड्रामेटिस्ट थे, नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट एंड आयरिश ड्रामेटिस्ट एंड अमेरिकन और नन। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ही वाज द नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट। नंबर 74 वी हैव हियर क्वेश्चन, व्हिच ड्रामा डिपिक्ट्स द fight of an idealist against adverse social forces? कौन सा ड्रामा जो है वो फाइट करता है, मींस उसमें एक तरीके का झगड़ा, एक तरीके का कंफ्लिक्शन दिखाया गया है आइडियलिस्ट का अगेंस्ट द एडवर्स सोशल इश्यूज, मींस सामाजिक जो सिचुएशंस होती हैं, फोर्सेस होती हैं जो बहुत ही एडवर्स फोर्सेस होती हैं, उनके अगेंस्ट एक आइडियलिस्ट की जो फाइट है, एक उसका जो जिस तरीके से वो करता है, फेस करता है उस चीजों को, तो वो किसका डिपिक्शन मिलता है किस प्ले में, किस वर्क में गॉल्सवर्दी की? और 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डिमॉब, डिमॉब इज द करेक्ट आंसर। और ये 1914 में पब्लिश हुआ है, ठीक है, मॉब जो है वो 1914 में पब्लिश हुआ वर्क है, ड्रामा है गॉल्सवर्दी का। 75 क्वेश्चन की बात करें, गॉल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड ऑन इन हिज कलेक्शन ऑफ एसे एंटाइटल्ड। किस कलेक्शन ऑफ एसेज में गॉल्सवर्दी ने अपने जो उनके आइडियाज है अबाउट ड्रामा, उनको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि जहाँ पे उन्होंने ये मेंशन करा हुआ है व्हाट अ ड्रामा शुड बी। तो आपको बताना है कि कौन से कलेक्शन ऑफ एसेज में उन्होंने अपना ये आइडिया दिया हुआ है, आइडियाज अपने विचार दिए हुए हैं ड्रामा से रिलेटेड। द ओशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द रिवर ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एन ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड नन ऑफ दीज। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, द एन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। एंड ये जो पब्लिश हुआ है वो ये है इनका 1912 में, ठीक है, आप सभी ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये था इनका कलेक्शन ऑफ एसेज। नंबर 76 भी है, स्ट्राइक ड्रामेटाइजेस, स्ट्राइप जो प्ले है ये क्या ड्रामेटाइज करता है आपको बताना है, मींस इसमें किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको, एंड दैट इज अ स्ट्राइप, एक हड़ताल की होती है, तभी यहाँ पे जो दिया गया है स्ट्राइप इस प्ले का नेम है, इसको टाइटल दिया गया है। नंबर 77 वी हैव हियर, फॉरसाइट सागा इज सेट टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। इंग्लिश पैरेलल टू किसके पैरेलल इसको बोला गया है फॉरसाइट सागा को? थॉमस मंस के बोडेनब्रुक को
या मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर हेमलेट, या सेठ विक्रम सेठ की बात हो रही है यहाँ पे, असुटेबल बॉय। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा है, थॉमस मैन्स बर्डन ब्रू। नंबर 78 और आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू गार्ल्सवर्दी। गार्ल्सवर्दी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन इसका है 78 का। बस इसके बाद हम जस्ट आपसे इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 78 क्वेश्चन की बात करें, अवेकनिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ, ये किसके वर्क्स हैं? कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा वो गार्ल्सवर्दी का वर्क है, ठीक है, जॉन गार्ल्सवर्दी। क्योंकि कॉमेडी ऑफ एरर जो लिखा है वो शेक्सपियर ने लिखा है, और अवेकनिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी ये दोनों है नॉवेल से रिलेटेड, जो कि फॉरसाइट सागा के इम्पोर्टेंट ये है। एक अवेकनिंग जो है आपका इंटरल्यूड है, तो ये भी आपका इंटरल्यूड आता है। तो इसी तरीके से ये जो वर्क्स हैं ये जॉन गार्ल्सवर्दी के वर्क्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। आपका ग्रामर का जो प्रिपरेशन है वो भी साथ ही साथ पता चलता जाएगा। और वीडियो को जल्दी से अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो आपने लाइक शेयर कर लो। जो न्यू व्यूअर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए बात करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। आई गिव पुअर मैन, क्या दिया उसने? एक उसने पुअर मैन को दिया क्या? 500 रुपी नोट, या 500 रुपीज नोट, या अ 500 रुपी नोट्स, 500 रुपीज नोट्स। तो आपको बहुत ध्यान देकर के इसका आंसर देना है। आई गिव पुअर मैन, ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है, और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आई गेव पुअर मैन अ रूपी, अ 500 रुपी नोट, ठीक है। अब आ गया है यहाँ पे मीन्स एक 500 का नोट दिया है उसका, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है। और नोट्स तो होता ही नहीं है क्योंकि नोट की बात हो रही है यहाँ पे, तो बाकी के ऑप्शन हमारे जो है वो गलत होंगे, और जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए होगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके इंग्लिश ग्रामर जब भी आप पेपर में होते हो, पेपर देते हो, अपीयर करते हो आप, तो वहां पे कहीं से भी आपका इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक ना होकर के ये हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन का सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन है आपका। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, द वर्चू इज रिवॉर्डेड, पहले गैप है, इस गैप को फिल करना है आपको। द वर्चू इज रिवॉर्डेड क्या है? ऑप्शन है सूनर और लेटर द वर्चू इज रिवॉर्डेड, या सूनर द वर्चू इज रिवॉर्डेड, लेटर द वर्चू इज रिवॉर्डेड, या सूनर एंड लेटर द वर्चू इज रिवॉर्डेड। और ये एक तरीके का प्रोवर्ब है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सूनर और लेटर वर्चू इज रिवॉर्डेड, ठीक है। वर्चू जो होता है मीन्स गुण जो है, जो आपके अच्छे गुण है, वो कभी ना कभी देर या जल्दी सही कभी ना कभी वो आपके रिवॉर्डेड होते हैं, मीन्स आपको उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है बाय गॉड। नेक्स्ट नंबर वी है 3, जॉनी वेयर आर यू, और डॉट डॉट है, गैप को फिल करना है यहाँ पे आपको। अप दिस ट्री, जॉनी पूछ रहा है आप कहाँ हो, तो क्या होगा? देयर एम आई अप दिस ट्री, हियर एम आई अप दिस ट्री, देयर I am up this tree, या here I am up this tree। तो कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे? 3 का जो आपका है वो आपको बताना है, एंड करेक्ट इज ऑप्शन डी, here I am up this tree, ठीक है। here I am up this tree, जॉनी पूछता है आप कहाँ हो, तो वो बता रहा है here I am up this tree। नंबर नेक्स्ट भी है 4th है, unless you work वेरी हार्ड, तो आपको आगे की लाइन फिल कर देंगे। ये एक क्लॉज है, तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस इस क्लॉज में, एक पूरे सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज है, और सेकंड क्लॉज आपका होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू ऑट टू बी सक्सेसफुल, यू बी नॉट सक्सेसफुल, यू आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल, या यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मीन्स जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा है ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, और इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, और आगे मैं कल भी सेशन लेके आऊंगी मॉर्निंग में आपका 11 o'clock के पास आसपास मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो वहां पे आपको भी फिर से मैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो आपको पता चलेगा जितने क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, बट ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वो रॉन्ग है। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इफ फिर से गैप आ गया है तो आपको फिल करना है, आई वुड नॉट लूज टेम्पर, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर, ठीक है, अगर मैं होता आपकी जगह तो आई वुड नॉट लूज टेम्पर, मीन्स मैं अपना टेम्पर जो है, अपना जो टेम्पर है उसको लूज नहीं करता, तो इसमें क्या होगा, गैप में क्या फिल होगा, इफ आई वर यू, आई वॉज यू, I am not you या I am you. If I were not you is the correct answer. क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है, विश की बात कर रहा है कि yes, अगर मैं आपकी जगह होता, काश मैं आपकी जगह होता तो मैं आप अपना टेम्पर लूज नहीं करता, तो if I were you होता, अगर मैं आपकी जगह पे होता, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं ये चीजें नहीं करता। नंबर सिक्स क्वेश्चन इज वी हैव ऑन द स्क्रीन, और जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर दे दीजिए। माय ब्रदर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, माय ब्रदर स्पीक्स, फिर से गैप आ गया, आपको फिल करना है, ही वर अ लीडर, मींस मेरा भाई ऐसे बात करता है ऐसे लगता है कि वो लीडर है, इसका मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बता रही हूँ, अब आप इंग्लिश को इसको ट्रांसलेट करिए, माय ब्रदर स्पीक्स दैट ही वर अ लीडर, दो ही वर अ लीडर, As if he were a leader, या so that he were a leader. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी, माई ब्रदर स्पीक्स एज इफ, मीन्स मेरा भाई तो ऐसे बात करता है ऐसे लगता है कि वही यहाँ का लीडर है, ठीक है, ये आपका है, एज इफ के बाद हमेशा जो सेंटेंस आएगा अगर विश रिलेटेड आ रहा है तो वो हमेशा पास्ट टेंस लेके आएगा और वॉज नहीं लगेगा वहां पे, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो वहां पे वो वर ही लेके आएगा, ठीक है, जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मींस यहाँ पे बात हो रही काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता या अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये करता, ठीक है, बात आपकी देखिए प्रेजेंट टेंस का आ रहा है बट यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की भी कि मैं करता अगर मैं होता तो करता, और बात इसमें हो रही है पास्ट टेंस में, तो विश से रिलेटेड कोई भी आपका आता है कि इफ आई वर द किंग, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, तो ये सब चीजें आपकी वर्ड लेके आएंगी, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा एज इफ ही वर अ लीडर। नेक्स्ट नंबर सेवन भी है, वर्क हार्ड, फिर से आपका गैप आया, यू शुड फेल so that work hard so that you should fail, work hard and you should lest you should fail या but you should fail, तो जो करेक्ट आंसर है आपने सभी ने इसका आंसर भी दे दिया होगा, जल्दी से अभी तक नहीं दिया तो जल्दी से दे दीजिए आप सब, मैं वेट कर रही हूँ, और जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी है, lest, work hard lest you should fail, ठीक है, work hard work करो अदरवाइज आप फेल हो सकते हो या आप फेल हो जाओगे, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। नंबर एट वी हैव इज द प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, इट होना चाहिए यहाँ पे, इट इज द प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, बात हो रही है यहाँ पे इट इज द प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टैग आप सभी ने पढ़ा होगा, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके, तो आपको बताना है इस इट इज द प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, क्या ये प्रैक्टिस एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्वेश्चन टैग अगर आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो उसमें से कौन सा इसमें ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा, इजेंट इट और क्वेश्चन मार्क, इज नॉट इट क्वेश्चन मार्क, इजेंट इट या इज इट, तो जो करेक्ट आंसर हुआ है हमारा वो ऑप्शन ए है, इजेंट इट, ठीक है, और ये आप यहाँ पे ये मत देखिएगा कि ये हमारा ऐसे आएगा, इज नॉट इट नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा doesn't it, didn't it, या आपका होगा isn't it, aren't it, ये चीजें होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में ग्रामर से रिलेटेड, तो वहां पे अगर क्वेश्चन टैग है आप इस, तो वो ऑब्वियसली आपका दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन है
इट इज दी प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। तो क्या 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 वो कह रहा है कि क्या यह एक प्रैक्टिस एग्जामिनेशन है, क्या यह है एक प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, ये बात कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 9 भी है, नरेन वाज डिबार्ड डॉट 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 अपीयरिंग इन दी एग्जामिनेशन। फिर से यहाँ पे आपका आ गया प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो नरेन वाज डिबार्ड, डिबार्ड एक ऐसा वर्ड है जो एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन लेके आता है, आपको बताना है। बहुत बारी आपने अपने जब भी फॉर्म फिल करे होंगे आपने, तो आपको ये चीजें दी जाती हैं वहां पे फॉर्म में, जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन होता है आप फॉर्म फिल करते वक्त कि यस आप जो भी सूचनाएं दे रहे हो अपने लिए से रिलेटेड, आप उसको सही भरो, सही फिल करो, अदरवाइज आप डिबार्ड कर दिए जाओगे एग्जामिनेशन से। या ये भी होता है कि एक ऑप्शन होता है जब भी आप फॉर्म फिल करते हो कि हैव यू डिबार्ड दिस एग्जामिनेशन, तो कौन सा प्रपोजिशन वहां पे आता है, तो आपको हैव यू एनी टाइम डिबार्ड, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। डिबार्ड हमेशा आपका फ्रॉम प्रपोजिशन लेके आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम को हम राइट टिक करेंगे नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का है, ये रहा हमारा ही इज सुपीरियर, और इसका आपको करेक्ट आंसर देना है सुपीरियर डॉट 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 मी। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आएगा इस एरिया में, आपको इसको फिल करना है। तो फ्रॉम, ही सुपीरियर फ्रॉम मी, ही सुपीरियर टू मी, बाय मी या इन मी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आई और आई ओ और आएगा आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ड में, तो वो हमेशा टू लेके आएगा, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी या ही इज इंफीरियर टू मी, ये इस तरीके से टू प्रपोजिशन लेके आता है। टू, कभी कभी आपका पूरा एक सेंटेंस दिया जाएगा, ही इज जूनियर देन मी, जैसे ये आपका कंपैरिजन से रिलेटेड आएगा, तो आपको वहां पे बोला जाएगा कि कौन से पार्ट में गलती है, कि आपके सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। तो आपको ये मान लीजिए ए दे दिया गया, ये बी दे दिया गया, ये सी दे दिया गया और ये डी दे दिया गया, तो आपको बताना होगा कि यस यहाँ पे सी पार्ट में गलती है, डैन की जगह पे टू होगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 11, दे डॉट 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 टू ओपन अ न्यू शॉप वेरी हियर शॉर्टली, दे वेंट to open a new shop या they go to open a new shop, they are going to open a new shop, they will open a new shop here shortly, means अभी भविष्य की बात नहीं, बहुत नजदीक की बात हो रही है, कि बहुत ही recently बात हो रही है, कि अभी हाल ही में वो अपना बहुत ही कुछ ही टाइम में वो अपनी शॉप खोलने वाले हैं यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वहां पे इस ऑप्शन को फिल करेगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी, दे आर गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप हियर shortly. Number 12 question we have on the screen, grammar se related jo hai, there is nothing that dot 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 of us can do to help, there is nothing that every of us can do to help, any of us can do to help, half of us can do to help या none of these, और nothing आ गया है, तो आप यहाँ पे जरूर समझ लीजिएगा कि बात हो रही है negative sentence की, तो यहाँ पे हमारा आएगा any, ठीक है, नन नहीं होगा यहाँ पे, एनी आएगा, देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प, मीन्स हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो हम ऐसे हेल्प करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन के आएगा। नंबर 13 इज, नो सूनर डिड द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टुवर्ड्स इट, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड, विल अराइव या आपका होगा हैड अराइव्ड, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 13 का जो हमारा है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में है ये, तो ये हमारा आ जाएगा नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट, और नो सूनर के बाद हमेशा यहाँ पे जो आएगा एड करेगा सेंटेंस को वो देन लेकर के आएगा, ये भी कभी कभी आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दैट हो जाता यहाँ पे लिख सकते थे, एरर हो जाएगा तो वहां पे दैट लिखा जाएगा, बट वहां पे आपको देन लगाना है, नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है सेंटेंस में। नेक्स्ट नंबर 14 भी है, द प्रिजनर वॉज डॉट 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 टू डेथ, The prisoner was hung to death, hanging to death, या hang to death, या
हंग्ड टू डेथ। तो यहाँ पे जो बताना है आपको, उसमें बताना है कौन सा फॉर्म होगा हैंग का, इसको फिल करना है आपको। तो प्रिजनर वॉज, क्योंकि यहाँ पे ये पैसिव वाइज सेंटेंस है, पैसिव वाइज में ये सेंटेंस है, मीन्स प्रिजनर खुद तो लटक नहीं जाएगा डेथ के लिए, मीन्स उसकी उसको खुद लटकाया नहीं जाएगा, वो किसी के द्वारा लटकाया जाएगा। तो ये यहाँ पे है कि उसको प्रिजनर को एक सजा दी गई है, जो डेथ की सजा दी गई है, तो वो हैंग्ड हुआ है, हैंग करा गया है। तो द प्रिजनर वॉज हैंग्ड टू डेथ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आएगा यहाँ हमारा, ये हैंग का थर्ड फॉर्म आएगा, हैंग, हंग, हैंग्ड। नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर भी डिस्कस किया हमने, साथ ही साथ जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए। तो ये जो क्वेश्चन है 15, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। द स्मेल ऑफ द सी मींस कहीं पे वो किसी समंदर के किनारे गया रहा होगा पहले, जब वो बचपन में रहा होगा, तो वही वो कह रहा है कि स्मेल ऑफ सी कॉल्ड मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। तो कॉल्ड ऑन मेमोरीज, कॉल्ड बैक मेमोरीज, या कॉल्ड अप, या कॉल्ड फॉर, कौन सा इसमें आपका प्रपोजिशन लेकर के आएगा जो एक तरीके के फ्रेजल वर्ब बनाएगा आपका। तो दैट इज बी अप बैक, क्योंकि यहाँ पे बीते जमाने की बात हो रही है। द स्मेल ऑफ द सी मीन्स इस समंदर की, इस सी की जो महक है वे मेरे मेमोरीज की, देदों की याद दिलाता है, जो बैक मेमोरीज में मुझे है पुराने टाइम पे जब मैं छोटा था, अपने चाइल्डहुड टाइम पे था, तो उन दिनों की मुझे ये याद दिलाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट भी डिस्कस किया, लिटरेचर एंड ग्रामर बोथ पार्ट्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके साथ साथ, और वीडियो की जो इस चैनल के अदर वीडियोस हैं उनको भी चेकआउट कर लीजिए, और हम आगे वाले दिनों में कुछ और इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल से प्रैक्टिस करेंगे यूपी पीजीटी एंड पीजीटी के एग्जाम्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।